जिस तरह से दमन को ओडिशा में टैक्स फ्री बनाया गया था, तो वैसा ही डिलीवरी बॉय को भी टैक्स फ्री कर दिया गया। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फिल्म जो है टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है और इसके जो मेकर्स है, इसके साथ साथ और भी डिलीवरी बॉयज़ है, उनका डिमांड था कि इस फिल्म जो है टैक्स फ्री रहे। और उसके बाद भी ये टैक्स फ्री हो चुका है और इस फिल्म आज ही रिलीज हो चुका है। अगर आप लोग ने देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा और मैं इस फिल्म को देखने जाऊंगा। देखता हूँ कि अपने थिएटर में लगा है कि नहीं, ऑनलाइन तो शो नहीं कर रहा है, पर देखते ऑफलाइन जाके कि जो है लगा है कि नहीं। अगर इस फिल्म की जो मतलब हिट हो जाता है या फिर लोगों को पसंद आ सकता है, हो सकता है इसका हाइप ज़्यादा बढ़ जाए और इस फिल्म का पान इंडिया रिलीज भी डिमांड हो जाए। देखिए, इस तरह के फिल्म जो होता है डिलीवरी बॉय के ऊपर, थोड़े दिन पहले आया था कपिल शर्मा, उसने तो भाई बहुत बढ़िया फिल्म था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस ने इतना भी पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से फिल्म का 10-15 करोड़ बजट था बट इतना भी रिकवरी नहीं कर पाया, उसका आधा भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फिल्म सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन कपिल शर्मा को कॉमेडी फिल्म के अलावा ये फिल्म सूट नहीं कर रहा है। और एक बात, डिलीवरी बॉय ये जो ओडिया फिल्म है काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है। किस तरह का जो बॉलीवुड जो डिलीवरी बॉय है वो किस तरह से एक जो फैमिली होता है, एक छोटे से फैमिली से कैसे वो मिडिल क्लास फैमिली से निकल के किस तरह से वो स्ट्रगल करता है, वो चीज़ें दिखाया गया है। और काफ़ी अच्छा होगा इस फिल्म को देखना कि हम सब भी मिडिल क्लास के हैं और हमसे सब टचेबल है।